दो विधायक मास्क लगा के आगे पार्टी डाले में। हमने कहा जल्दी जाओ नहीं तो छापा पड़ जाएगा तुम्हारे पे भी। पूछिए लगाए थे मास्क। अनुपयोगी मुख्यमंत्री। इस सरकार को कानून कौन मानता है? कमरे में जाकर के आप जांच करो, क्या सुविधा का इंतजार नहीं कर सकती थी पुलिस? क्या एक पानी का जो पाइप है 2 फीट 2.5 फीट ऊंचा, उससे कोई अपनी आत्महत्या कर लेगा? वो आगरा का वाल्मीकि समाज का बेटा जो चोरी पर जिसपे आरोप लगे, वो पुलिस ने खुद चोरी की है, पुलिस खुद चोरी करती थी वहां से, और उस वाल्मीकि समाज की हत्या हुई कि नहीं हत्या हुई? तो ये सरकार ऐसी जो ठोकोराज हैं, जो ठोकोराज बैठे हुए हैं अनुपयोगी, ये उनके सारे हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री अपनी ही दुकानों पे बुलडोजर लगा के मुआवजा लेकर के नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? कभी आपने छापा कि कितना मुआवजा उठाया मुख्यमंत्री ने? हमें उम्मीद है कि छापा जाएगा, और वो भी छापा जाएगा कि जिस पर तालाब को लेकर के और वेटलैंड को लेकर के यूनिवर्सिटी तैयार हुई है, सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे। जो आज इधर बुलडोजर चला रहे हैं, अगली सरकार बनेगा उधर बुलडोजर चला। आप अपना परिचय दे तो अच्छा रहेगा पहले। मेरा नाम निधि विनोदी है, मैं फुटकर न्यूज़। ये मैंने सुनी नहीं है न्यूज़ को। मैंने सुना नहीं। किसने कहा? ये सच्चाई है। और उसके बाद एसटीएफ का नोटिस उनको चला गया था कि आप ये बहुत पुराना इशू है, आप इसको कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर इस तरह की बात है तो समय आने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाती, क्या आप उनसे लड़ने के लिए आप भी उसी रास्ते पे चलेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जनता हराना चाहती है, जनता को धोखा दिया है, और जनता को जो धोखा मिला है, जो वादे जुमले निकले, हर बात इनकी झूठी है। ये जो संकल्प पत्र है, ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने पलट करके नहीं देखा। इसके पहले पन्ने पर है कि आपके किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज किसान जानना चाहता है कि आय दोगुनी कहां है, जो सरकार खाद नहीं दे पा रही और खाद में से 5 किलो की चोरी कर रही, इसका क्या जवाब है सरकार के पास? सरकार के पास क्या जवाब है कि गृह राज्य मंत्री टैनी और उनके बेटे पर आरोप है साजिश करने का? और समझिए हत्या की साजिश का मतलब क्या होता है, उन्हें जेल जाना चाहिए। क्या लखनऊ से बुलडोजर चला? जो हर बात पे लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बुलडोजर, कि बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं चल रहा है? और हम समाचार ने कहा कि बर्खास्त कर देंगे, तो नैरेटिव बदलने के लिए, खबर बदलने के लिए इस तरह के छापे मारने का काम किया है। सर, आप अपनी विजय रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से बीजेपी ने भी अपनी यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है, सारे केंद्रीय मंत्री उसमें जुट गए, क्या लगता है कि कितना डोमिनेट करेगी आपके विजय रथ यात्रा? ये पता नहीं किसने रथ बना लिया इन्होंने, ये रथ क्या है इनके, ट्रक को या बस को ढक लिया होगा? ये केवल दिखावी रथ है। जनता ने मन बनाया है कि महंगाई के खिलाफ, नौजवानों ने बेरोजगारी के खिलाफ मन बनाया है, किसान खाद को लेकर के मन बनाए बैठा है कि आए भारतीय जनता पार्टी, वोट की तारीख आए, इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। जो ये पुलिस भी है, और या हो सकता है इन लोगों को बताएं कि आखिरकार कौन करा रहा है फोन टेपिंग, इनका भी फोन टेप हो रहा है। आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है भाई। 24 घंटे मुख्यमंत्री जी को काम करना है? जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? यही तो कहते हैं 24 घंटे काम करने, तो काम तो शाम के बाद खत्म हो जाता है, फिर काम क्या करते हैं रात में? ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के, और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहां जहां चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर नेताओं की फोन सुनती है। पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से छापे डाले गए थे चुनाव के दौरान। पश्चिम बंगाल में सरकार थी, सरकार बनाने के लिए छापे पड़ रहे थे, यहां अपनी सरकार बचाने के लिए छापे पड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, हर जिले में सभा कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है, क्या संगठन स्तर पर उनका ध्यान? अब पूरे कार्यकर्ताओं से हमारी उम्मीद है, और वो लगे हुए हैं कि अपने अपने बूथ जिताएंगे। अच्छा,
कर रहे हैं, चार बार यूपी आ रहे हैं, और बड़ी केस भरे में जिसे अभी आपने कहा कि आपके जो जाने वाले हैं या जो आपके साथ काम करते हैं वो क्या छापे पड़ रहे हैं, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे छापे और पड़ेंगे और कहीं आपको लगता है कि आप भी उनके निशाने पे हैं? कितना अच्छा सवाल पूछा कि हम है निशाने पे कि नहीं है। अरे हम ही तो निशाने पे हैं, कमाल है आप भी। अरे वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में काम नहीं कर रहे होते तो उनके यहां कौन छापा मारता? हमसे अगर पर्चे ना होता तो कौन छापा मारता? अरे हमसे आप दोस्ती बढ़ा लो और न छापा पड़े आप क्या तो बताइएगा। और जैसे ही नहीं सीटों ये समय अभी गठबंधन का नहीं है। अभी आपने सुना दिल्ली से फोन आया गठबंधन की भाषा बदल गई। और मैं आपसे कह रहा हूं जैसे ही शुभ दिन आएंगे ये सरकार डरी हुई है, सरकार अपने मंत्रियों को अपने विधायकों को बचाना चाहती है। अभी दो विधायक मास्क लगा के आगे पार्टी कार्यालय में, हमने कहा जल्दी जाओ नहीं तो छापा पड़ जाएगा तुम्हारे पे भी। पूछिए लगाए थे मास्क तो ये कई मंत्री कई विधायक आना चाहते हैं, ये अपनी पार्टी उनकी ना टूट जाए इसलिए भी डरा रहे हैं कि हाँ विपक्षी लोग छापा मारेंगे। क्या ये हमें नहीं पता? इसी हॉल में एक एलआईयू का अधिकारी बैठा था, इसी हॉल में हमने शिकायत की, बताओ क्या कार्रवाई हुई? वो एक पत्रकार बनकर आया था यहाँ पर इसी हॉल में यहीं पर। नहीं अभी तो दूसरे तरीके से होंगे वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और ये छापे और इस तरह का डर भारतीय जनता पार्टी को है क्योंकि जनता के लिए कोई काम नहीं किया, संकल्प पत्र को नहीं किया पूरा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। दोस्तों यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।